नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार समग्र किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है, मतलब कि एक चोरी बेस्ट किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार का सेंसस 2011। ठीक है, तो जनगणना था, ठीक है, जो भी आपका जनगणना था उसके दिया गया है, उसके हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम इसका जो इम्पोर्टेंट बॉक्स है, ये बॉक्स और ये वाला बॉक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पर जो दिया गया इसको भी पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर ये हम लोग ये पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर चार पांच बॉक्स दिया गया उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले। ठीक है, तो अभी हमने शेड्यूल ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले तो कौन कौन है, गया है, पटना है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है और वैशाली है। ठीक है, तो गया, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले तो शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, अरवल और लखीसराय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले। तो सबसे पहले आपका गया जिला, सबसे ज्यादा यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग पाए जाते हैं, 13,34,351 लोग। तो 13,34,351 लोग। पटना में आपके जो है 9,20,918 लोग। तो पटना में 9,20,918 लोग। समस्तीपुर में आपका जो है 8,03,928 लोग। मुजफ्फरपुर में 7,51,975 लोग। वैशाली में आपका जो है 7,38,031 लोग। ठीक है, तो ये आपका सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। तो गया 13,34,351 लोग। पटना आपका 9,20,918 लोग। समस्तीपुर में 8,03,128। मुजफ्फरपुर में 7,51,275। वैशाली में 7,38,031 है। तो देखते हैं मैथ में आपका गया, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली कहाँ है। ठीक है, तो देखिए आपका मैप में, तो देख सबसे ज्यादा आपका गया में है। ठीक है, तो गया यहाँ पर आपका है जिला, है सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं गया में, 13 लाख अप्रोक्स। उसका आपका पटना हो गया। ठीक है, तो पटना आपका यहाँ है। उसके बाद आपका हो गया था समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर यहाँ पर आपका है। ठीक है, समस्तीपुर ये आपका यहाँ पर, मुजफ्फरपुर यहाँ पर है। लास्ट आपका था वैशाली, तो वैशाली देखिए आपका यहाँ पर है। ठीक है, वैशाली सटा हुआ है। तो लगभग आपका 5 जिला लगभग सटा हुआ है, थोड़ा गया आपका दूर में। तो पटना, समस्तीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर सर्वाधिक जो है आपके शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, शेड्यूल अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं गया में सबसे ज्यादा। तो गया, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये आपका 5 जिला देखिए सामने है। ठीक है, तो गया, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ठीक है, देख सब पढ़ेंगे न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले जहां पर सबसे कम शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, तो कहाँ कहाँ है। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले तो शिवहर हो गया 96,655, किशनगंज आपका हो गया 1,13,118, शेखपुरा आपका हो गया 1,31,115, अरवल हो गया 1,41,314, लखीसराय हो गया आपका 1,53,209। ठीक है, तो शिवहर आपका हो गया ये 96,655 सबसे कम शिवहर में, उसका किशनगंज में 1,13,118, तो शेखपुरा में 1,31,115, अरवल में 1,41,314, उसमें लखीसराय में 1,53,209। यहाँ सबसे कम लोग आपके शेड्यूल कास्ट के लगभग रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपका शिवहर कहाँ पर है। तो देखिए आपका शिवहर सबसे कम यहाँ पर आपके शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं शिवहर में, उसका आपका किशनगंज यहाँ पर हो गया आपका। ठीक है, ये आपका किशनगंज हो गया, और उसके बाद आपका यहाँ पर शेखपुरा देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर सबसे कम लोग। उसका आपका अरवल देखिए, अरवल यहाँ पर है, लखीसराय आपका, लखीसराय देखिए यहाँ पर है, देखिए आपका बगल में सटा हुआ है शेखपुरा के बगल में लखीसराय। तो इन 5 जिलों में न्यूनतम जो है जनसंख्या के हिसाब से लोग रहते हैं शेड्यूल कास्ट के। ठीक है, तो आपका हो गया शेखपुरा, किशनगंज, शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, अरवल और लखीसराय। ठीक है, तो शिवहर, किशनगंज, अरवल, शेखपुरा और लखीसराय है ये न्यूनतम जनसंख्या वाले शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। आपका प्रतिशतता के आधार पर अधिकतम
अनुसूचित जातियों वाले 5 जिले, तो प्रतिशतता के आधार पर अधिकतम अनुसूचित जातियों वाले 5 जिले, तो गया आपका जो है परसेंटेज के हिसाब से गया आ जाएगा 30.39%, नवादा 25.47%। तो देखिए आपका जनसंख्या के हिसाब से नवादा का नाम नहीं है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से अब नवादा आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताएगी कि प्रतिशत के हिसाब से सेकंड नंबर पर कौन आता है टोटल कास्ट में आपका सबसे ज्यादा लोग रहने वाले, तो नवादा हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो आपका पटना हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर आपका औरंगाबाद हो जाएगा 24.10%, फोर्थ आपका हो जाएगा कैमूर 22.69%, फिफ्थ आपका हो जाएगा वैशाली 21.12%, ठीक है। देखिए दोनों परसेंटेज और आंकड़ों जनसंख्या के हिसाब से कितना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कभी भी आपका क्वेश्चन किसी प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रतिशतता के आधार पर अधिकतम अनुसूचित जातियों वाले 5 जिले, तो गया 30.39%, नवादा 25.47%, औरंगाबाद 24.10%, कैमूर 22.69%, और वैशाली आपका 21.12% है, ठीक है। तो देखिए आपका कहां पर है, तो देखिए आपका गया यहां पर हो गया, ठीक है, गया, उसके बाद आपका यहां पर नवादा हो गया, उसका आपका औरंगाबाद हो गया प्रतिशत के हिसाब से, उसका आपका हो गया कैमूर वैशाली, ठीक है। तो कैमूर देखिए आपका यहां पर है, कैमूर और वैशाली, देखिए हाजीपुर से हेडक्वार्टर उसका है, तो वैशाली यहां हो गया। तो आपके 5 जो है ज्यादा सर्वाधिक प्रतिशतता वाले जो कि जिला है शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति लोग जनजाति अनुसूचित जाति के लोग का, ठीक है, अनुसूचित जाति लोगों का प्रतिशतता के हिसाब से ये 5 जिला है, तो गया नवादा औरंगाबाद कैमूर और वैशाली, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रतिशतता के आधार पर 5 न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले, तो प्रतिशतता के आधार पर 5 न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले, तो आपके प्रतिशत के हिसाब से कौन है, सबसे पहला किशनगंज 6.69%, कटिहार 8.57%, भागलपुर 10.49%, सिवान 11.61%, सीतामढ़ी 11.85%। तो ये प्रतिशतता के आधार पर 5 न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, ठीक है। तो आपका देखते हैं किशनगंज कटिहार भागलपुर, ठीक है, कहां पर है, देखिए आपका कहां पर है, तो आपका किशनगंज सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है, सर कटिहार, कटिहार देखिए यहां पर हो जाएगा, भागलपुर आपका इसके बगल में जस्ट, उसके बाद आपका था सीवान और सीतामढ़ी, तो सीवान देखिए यहां पर है और सीतामढ़ी आपका यहां पर है। तो ये आपके जो है न्यूनतम प्रतिशतता के हिसाब से जो है शेड्यूल कास्ट के लोग अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर जो है रहते हैं, ठीक है। तो किशनगंज कटिहार भागलपुर सिवान और सीतामढ़ी, ठीक है, तो आपका ये 5 जिला हो गया। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे आपका सर्वाधिक जो आपका जनजातीय शेड्यूल टाइप के बारे में। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।